Hello everyone, welcome to the solution series for CSIR NET November 2020. This is question 10 from General Aptitude. Question hai, an epidemic is spreading in a population of size P. The rate of spread R of the disease at a given time is proportional to both the number of people affected by the disease and the number of people not yet affected by the disease. Which of the flowing graphs of R versus N is correct? Okay, तो आपको बोला रेट population है जिसके size P है उसमें एक epidemic जो है वो spread हो रहा है, disease जो है वो क्या हो रही है, spread हो रही है. Spread होने का जो rate है वो proportional है कि कितने people affect हो चुके हैं उस particular instant पे and कितने people affect नहीं हुए हैं उस particular instant पे. ओके, तो आपको बताना है कि आर एंड एन के बीच में कौन सा ग्राफ जो है वो स्टेटेबल ग्राफ है. तो हमें गिवन है कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है कि कितने पीपल अफेक्ट हो चुके हैं उस इंस्टेंट पे, एन के प्रोपोर्शनल है एंड कितने पीपल अफेक्ट नहीं हुए हैं उस इंस्टेंट पे. तो एन अगर अफेक्ट हुए हैं तो इट मीन्स दैट उस टाइम टी पे कितने अफेक्ट नहीं हुए हैं, टोटल पॉपुलेशन पी है तो इट मीन्स दैट कितने अफेक्ट नहीं हुए हैं, पी माइनस एन अफेक्ट नहीं हुए हैं. तो इट मीन्स दैट आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज सम कॉन्स्टेंट सी इंटू एन इंटू पी माइनस एन. तो आर जो है वो सी इंटू एन इंटू पी माइनस एन है वेयर सी इज सम कॉन्स्टेंट. ओके, तो अब देखते हैं हम, लेट्स से मैंने क्या लिया, एन को जीरो लिया, एन अगर जीरो है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आर की वैल्यू जीरो आ रही है एंड एन जब पी है तो भी आपके पास क्या आ रहा है, आर जीरो आ रहा है. अब आप ग्राफ्स पे जा सकते हो, ऑप्शन ए में एन जीरो है तो आर जीरो है बट जब एन पी है तो आर जीरो नहीं है, इट मीन्स दैट ये गलत हुआ. देन ऑप्शन बी में जब एन जीरो है तो आर जीरो है बट जब एन पी है तो आर जीरो नहीं है, इट मीन्स दैट ये ऑप्शन भी गलत हुआ. ऑप्शन सी में जब एन जीरो है तो आर जीरो है एंड जब एन पी है तो भी आर जीरो है, तो इस ऑप्शन को आप डिस्कार्ड अभी नहीं कर सकते. देन ऑप्शन डी में जब एन जीरो है तो आर जीरो है बट जब एन पी है तो आर जीरो नहीं है, तो यहाँ से पता चला कि ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है. तो इट मीन्स दैट जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी. और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है. आर जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस सी एन स्क्वेयर प्लस सी पी एन. इट मीन्स दैट क्या हुआ, आर को हम वाई एक्सिस के अराउंड बना रहे हैं, तो इट मीन्स दैट लेट्स से आर को मैंने वाई से डिनोट किया, एन को एक्स एक्सिस के अराउंड बनाया गया तो इट मीन्स दैट एन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं. तो आपके पास ये इक्वेशन आई, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख पाएंगे, माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर. ए यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है जो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ए की वैल्यू आप सी एंड पी टी टर्म्स में फाइंड कर सकते हो. देन प्लस बी, और बी भी जो है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसको हम सी एंड पी टी टर्म्स में फाइंड कर पाएंगे. और ये जो इक्वेशन है वो किसकी होती है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी. जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है. इट मीन्स दैट जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी. ओके,